Assalamualaikum guys, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सफी और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं इस वीडियो का टाइटल है इंडियन आर्मी ने LOC पर SSG कमांडो और उम्मीद करता हूं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। भाई काफी ही हिला देने वाली वीडियो है कि ये कैसी है भाई। पाकिस्तान की सबसे सुपरलेटिव डिग्री, फौज की सबसे सुपरलेटिव डिग्री का जो कमांडो होता है ना SSG स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, वो ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात कर दिया गया। भारत ने पाकिस्तान की फौज का SSG कमांडो और हवालदार शख्स को कत्ल किया है। गुज़श्ता रोज पूंछ सेक्टर के अंदर भिंबर सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले जिस शख्स को कत्ल किया गया है उसका नाम हाजी आरिफ बताया जा रहा है। भाई ये किधर था, बाहर था, अंदर था? पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इंडियन आर्मी जो है उसने कहा जी हमने रात को एक बड़ा ऑपरेशन किया है और ऑपरेशन इसलिए किया है कि पाकिस्तान की जानिब से जो कुछ जंगजू थे पाकिस्तान उनको कश्मीर के अंदर दाखिल कर। मकबूजाबादी में रोज रोज होने वाले इनकाउंटर्स, राजौड़ी की भिंबर गली है जहां पे कार्रवाई लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर की गई है, या तो उनको गिरफ्तार कर रहे हैं या उनको मार रहे हैं और मारने के बाद नामालूम मकाम पर दफना रहे हैं। SSG ट्रेनिंग भी इस शख्स ने हासिल कर रखी थी और यह पाकिस्तान की आर्मी का बकायदा सर्विस करने वाला शख्स था, हवालदार था। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में स्वागत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मेंढर के भीमर गली सेक्टर में सेना ने घुसपैठ को नाकाम करते हुए LOC पर पाकिस्तानी SSG कमांडो को ढेर कर दिया है। मारा गया आतंकी SSG कमांडो पाकिस्तानी सेना में हवलदार है। सेना की कार्रवाई पर उसके साथ आए तीन और आतंकी वापस भाग खड़े हुए। पाकिस्तानी सेना ने आरिफ को LOC के पार आतंकियों के लॉन्चिंग पैड का कमांडर बनाया हुआ था। भारतीय सेना को ये बहुत बड़ी सफलता मिली है। हाजी आरिफ मोहम्मद नौशेरा सेक्टर व आसपास के भूगोलिक परिस्थिति की बारीकी से जानकारी रखता था और ये SSG कमांडो आतंकियों की घुसपैठ कराने में शातिर पाकिस्तानी सेना के SSG को भी गाइड करता था। अच्छा। अब इस SSG कमांडो के मारे जाने से पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है और उसकी परेशानी आज की वीडियो में साफ तौर पर देखी जा सकती है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। भारत ने पाकिस्तान की फौज का साबिक SSG कमांडो और हवालदार शख्स को कत्ल किया है। यानी भारत का दावा यह है कि जो गुज़श्ता रोज पूंछ सेक्टर के अंदर भिंबर सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले जिस शख्स को कत्ल किया गया है उसका नाम हाजी आरिफ बताया जा रहा है और इस शख्स का ताल्लुक लश्कर तैयबा से जोड़ा जा रहा है कि SSG ट्रेनिंग भी इस शख्स ने हासिल कर रखी थी और यह पाकिस्तान की आर्मी का साबिक बकायदा सर्विस करने वाला शख्स था, हवालदार था। और इसके बारे में ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो शख्स भारत ने जिसके बारे में दावा है कि इसको हमने कत्ल किया है, इसके बारे में दावा ये किया गया है कि यह पाकिस्तान की ISI से भी पैसे लेता था। यह पाकिस्तान के साबिक फौजी मकबूजा कश्मीर के अंदर दाखिल हो रहे हैं और मकबूजा कश्मीर के अंदर दाखिल होकर मुजाहिदीन को ट्रेन कर रहे हैं, उनको तरबियत दे रहे हैं और उनको असलहा पहुँचा रहे हैं जिन्हें भारतीय फौज शहीद कर रही है। नाज़रीन काम, गुज़श्ता हफ्ते भारतीय फौज ने तकरीबन 10 कश्मीरियों को इनकाउंटर के अंदर शहीद किया है और ये जो नवंबर का महीना है इसमें 27 से 28 कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन काम, भारत की पार्लियामेंट के अंदर आज बाकायदा जो भारत की मिलिट्री फोर्सेस की कमांड है, जो भारत के बड़े फौजी अफसरान हैं, वो आज पार्लियामेंट के लोगों को बाकायदा जो तैयारियां हैं भारतीय फौज की इस हवाले से ब्रीफिंग देने जा रहे हैं। नाज़रीन काम, भारत चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ है और मकबूजा कश्मीर के मुजाहिदीन के खिलाफ महाज अराई शुरू किए हुए हैं और पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ जंगी तैयारियों को तेज किए हुए हैं। पेट्रोलिंग हो रही है, जंगी मशकें हो रही हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और दीगर फौजी अफसरान जो भारत से मुल्हिका बॉर्डर्स हैं वहां का दौरा करके फौजी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। दूसरी तरफ से भारत भी अपनी सरहदों पर इश्तियाल अंगेजी को बढ़ाने के लिए ताकत में इजाफा कर रहा है, असलहा बढ़ा रहा है, फौजों में इजाफा कर रहा है।
लेकिन भारत को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान भारत से बहुत ज्यादा ताकतवर है। 1947 के अंदर जो तकसीम हुई थी, इस तकसीम को दोबारा जोड़ना होगा और ये तकसीम ख़त्म करना होगी, यानी पाकिस्तान को भारत का हिस्सा बनाना होगा, पाकिस्तान को अंडू करना होगा। ये बयान दिया गया है आरएसएस के चीफ मोहन भगवत की जानब से। नाजिकाम, ये आरएसएस के वही चीफ हैं जो मकबूसा कश्मीर के अंदर जाकर बयान दे चुके हैं। आरएसएस चीफ की इस नाजेबा और इश्तियाल अंगेज तकरीर पर गुफ्तगू की है। पाकिस्तान की जानब से शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है और कहा गया है कि भारत जारियत को बढ़ा रहा है, इश्तियाल अंगेजी को बढ़ा रहा है। हमने भारत के खिलाफ कभी यह बयान नहीं दिया कि भारत पर पाकिस्तान कब्जा करेगा, लेकिन भारत के जो बड़े बड़े लोग हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इंडियन आर्मी जो है उसने कहा जी हमने रात को एक बड़ा ऑपरेशन किया है, और ऑपरेशन इसलिए किया है कि पाकिस्तान की जानिब से जो कुछ जंगजू थे पाकिस्तान उनको कश्मीर के अंदर दाखिल कर रहा था। लेकिन ये कह रहे हैं जनाब कि रात को हमने इस कार्रवाई के दौरान जो अस्करियत पसंद या जंगजू है जिसको मुजाहिद कह लें कि वो पाकिस्तान से आना चाहते थे, और हमने बॉर्डर के ऊपर कार्रवाई करते हुए उन लोगों को मारा है। सिर्फ मारा नहीं है बल्कि वो तो कह रहे हैं, खैर ये राजौड़ी की भिंबर गली है जहां पे कार्रवाई लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर की गई है, और पाकिस्तानी दहशतगर्द को मार के हमने उसकी जो डेड बॉडी है वो भी कब्जे में ले ली है। और सिर्फ डेड बॉडी नहीं है बल्कि वेपन है, एमुनेशन है, सारे का सारा जो है वो हमने रिकवर कर लिया। अब बलूचिस्तान का खास टारगेट है, उसकी दो तीन वजूहात है। एक बड़ा, वो मादनियात से भरा हुआ इलाका है, जो मादनियात हैं, मिनरल्स हैं, वो जाहिर बात है पाकिस्तान की तरक्की के अंदर किरदार अदा कर सकते हैं। दूसरा उसका जो कि बॉर्डर लगता था अफगानिस्तान के अंदर, तो अफगानिस्तान के साथ जो है इन्होंने बैठ के उसको डिस्टेबलाइज करने की बहुत कोशिश की। जो पाकिस्तान की फौज का जनरल हेडक्वार्टर है वहाँ पे एक बलूचिस्तान के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई 20-25 दिन की कॉन्फ्रेंस है, और उसमें तमाम जो मुख्तलिफ जिंदगी के शोबे हैं उन अफराद को शिरकत का मौका दिया गया ताकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या जो उनके क्वेश्चन हैं सिक्योरिटी को लेकर या सिक्योरिटी इदारों को लेकर या दीगर चीजों को लेकर वो उन क्वेश्चन का उनको जवाब दिया जाए। ये खबर नहीं, बहुत बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मकबूजाबादी में रोज रोज होने वाले इनकाउंटर्स और आए दिन एक नॉन स्टॉप इनकाउंटर्स की एक जिसे कहते हैं ना एक क्वेश्चन मार्क के साथ मुख्तलिफ वादियों के इलाकों को घेरे में लेने के बाद उनका जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने SSG कमांडोज तैनात कर दिए हैं। 8 से 10 कमांडोज का यह ग्रुप है जी, जो तमाम लाइन ऑफ कंट्रोल पर, तमाम क्रॉसिंग पॉइंट्स पर, जो स्पेशली सेंसिटिव क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं उन तमाम के ऊपर तैनात किया गया है। और मेरे पास जो खबरें हैं उस खबरों के मुताबिक मकबूजाबादी के अंदर जो एरोस नए नए इनकाउंटर करके और मासूम जवानों पर कोई ना कोई FIR दर्ज करके मुद्दा बयान करके या तो उनको गिरफ्तार कर रहे हैं या उनको मार रहे हैं और मारने के बाद नामालूम मकाम पर दफना रहे हैं। इन तमाम का काउंटर करने के लिए किसी और ने नहीं, पाकिस्तान की फौज ने SSGs के कमांडोज को, पाकिस्तान की सबसे सुपरलेटिव डिग्री, फौज की सबसे सुपरलेटिव डिग्री का जो कमांडो होता है ना SSG स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, वो ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात कर दिया गया। ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके इंप्लीकेशंस क्या है? जी हां, खबर आपके सामने जी। पाकिस्तान रीडिप्लॉइंग दोबारा से रीडिप्लॉइंग SSG कमांडोज नियर लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है जी। द स्पेशल सर्विसेज ग्रुप कमांडोज कहां तैनात हो रहे हैं ये भी सुन ले। कमांडोज हैव बीन स्पॉटेड नियर टेरर लॉन्च पैड्स ऑफ तीजिया, दुधनियाल, अठ मकाम, जोड़ा एंड लीपा सेक्टर। जी भाई ये किधर था, बाहर था, अंदर था? तो इसमें आपको काफी ऐसी चीजें शकों को शुभात वाली नजर आ रही है सब। तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो तो भाई आप देख लें कि SSG कमांडो वहां पे तैनात कर दिए गए। यार इस चीज को मैं अब क्या बोलूं, डर बोलूं या कुछ और बोलूं, इस बात की मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि SSG कमांडो का वहां क्या काम है। सॉरी, तो आई थिंक ये इंडिया की तरफ से ज़्यादा दबाव दिया जा रहा है, जैसा कि अब उनके जो आर्मी है वो डिफेंस सिस्टम भाई पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका है और बहुत ही मजबूत हो चुका है। जैसा कि उनके पास जब से नए जेट तैयारे आए हैं, सॉरी, तो मिसाइल INS विक्रांत, ये ऐसी चीज़ें जब से भाई आई है ना इंडिया के पास, उस वक्त से इंडिया की डिफेंस भाई और भी मजबूत हो।
INS विक्रांत ही वो समंदर में होता है भाई, समंदर में होता है। वैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि जो डिफेंस भाई डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं यही मैं बात बोल रहा था। लेकिन कमांडो इनको मतलब ऐसे नहीं चाहिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल LOC बोल रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल ये होती तो एक खतरे की जगह है ना भाई। बिल्कुल ऐसे अगर आपने अगर किसी के मुल्क में एंट्री करनी है गैर कानूनी तरीके से, वो कार्रवाई तो करेंगे। खास तौर पर अगर ये ऐसे बेस में जाएंगे तो भाई वो शदीद से कार्रवाई करेंगे, वो कोई रैम भी नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही होता है ना, वो ऐसे रैम नहीं करते, वो ठोक देते हैं भाई जो भी हो। वो तो नहीं ना देखते SSG कमांडो है, टेररिस्ट है, जो भी है लोकल है भाई, उनको बस उधर तैनात ही इसलिए किया जाता है कि सरहदों की हिफाजत करने के लिए। बिल्कुल तो भाई ये क्या कर रहे हैं, बुखला गई है पाकिस्तान आर्मी भी के SSG कमांडो वहां पे तैनात कर रहे हैं। पहले से ही मतलब बलोचिस्तान के हालात इतने खराब हो चुके हैं, और भाई बलोचिस्तान की अगर बात की जाए ना, भाई उनकी अवाम बोलती है कि हमने पाकिस्तान में नहीं शामिल होना, नहीं होना भाई, वो ऐसे बोल रहे हैं। और इस वक्त जो बड़ी खबरें हैं उसकी भाई की जाए ना, तो एक खास एक एंकर थे जो पाकिस्तान के एंकर थे, तो मुझे इतना इस बारे में इलम तो नहीं है कि ये इंडियन जो मतलब के बड़े बड़े लोग हैं, या जैसे बड़े बड़े लोगों से मुराद के जो इंडियन आर्मी के बड़े हैं या इनके जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े अफसरान हैं, वो भाई ऐसे बात कर रहे थे कि वो एक चीज़ का मुहूर्त निकालते हैं। ये इंडिया पाकिस्तानी एंकर की ज़ुबानी बात मैं कह रहा हूँ कि वो एक चीज़ का मुहूर्त निकालते हैं, कि उन्होंने बोला है कि इस वक्त जो मुहूर्त है वो ठीक नहीं था, मतलब आज से कुछ दिन पहले, तो अब जो मुहूर्त है वो बिल्कुल ठीक है। और अब वो भाई तैयारियों में लग गए हैं, जबकि PM मोदी भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भाई ये बयान दिए हैं कि जो बलोचिस्तान है हम वापस लेंगे, जो जम्मू कश्मीर है, जो आज़ाद कश्मीर हुआ है, वो भाई अपना हिस्सा बनाएंगे। इस वक्त वो फुल रेडी है, उन्होंने भाई सारी तैयारियां कर रही है, बलोचिस्तान वो अपना भाई वापस लेना चाहते हैं, और जम्मू कश्मीर भी। इधर भी बहुत मामले उठ चुके हैं ना, मतलब हुकूमत में भी और एंकर भी बोल रहे हैं आप, और मीडिया में भी ऐसे बहुत खबरें फैल रही हैं, और एक इधर तो मतलब बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं इस इशू को रख कर। बिल्कुल ऐसे ही तब से शुरू हुआ है, जब से वही जो हुआ था ना, मतलब के सारों सब ने दिया था ये अल्फाज यूज़ किए थे कि हम अपना हर चीज़ वापस लेंगे, बलोचिस्तान वापस लेंगे, क्योंकि बलोचिस्तान के साथ भाई सलूक ही ऐसा किया जा रहा है कि वो अब ये बोलते हैं कि हम जो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, हमने पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं है, ये बात भाई है। तो क्योंकि वहीं आप अगर ग्वादर की बात कर लें साथ ही, तो भाई उनके वहाँ पे जो मजदूरी है CPAC पे, वहाँ पे उनका भाई काम यही है कि जो वहाँ के लोग हैं उनको रखें भाई ड्यूटी पर, ड्यूटी से ये मतलब कि जो मजदूरी है उन बेचारों को दें, वो अपना घर बार चला सके। लेकिन नहीं, वहाँ पे जो CPAC से भाई ऊपर से लोग आ रहे हैं, चाइना वाले वहाँ पे कर रहे हैं मजदूरियाँ, वो पैसे यहाँ से ले रहे हैं। अगर यहाँ पे CPAC मुकम्मल ही इसी वजह से होना है, चाइना और पाकिस्तान मिलकर ही करेंगे तो तब भी जाकर वो मतलब के मुकम्मल होना है। चाइना के बगैर इतनी कहाँ से मनी आएगी को उसके पर लगा कर CPAC मुकम्मल यार है, तो चाइना को फायदा होगा, पाकिस्तान का बढ़ेगी। पाकिस्तान का सिर्फ नाम है कि पाकिस्तान और चाइना बना रहे हैं, नहीं नाम पे बंदे ही नहीं है पाकिस्तान के जो तो काम कर रहे हैं। ओ भाई और कौन है भाई, आपने न्यूज नहीं देखी, वहाँ पे जो ग्वादर के लोग हैं उनको ही भाई वहाँ पे काम नहीं दिया जा रहा, वो बेचारे वहाँ पे भूख से मर रहे हैं। जो बलोचिस्तान कैसे हालात चल रहे हैं आपको न्यूज़ देखनी चाहिए। अच्छा। ये ऐसे हालात बिल्कुल भाई, इससे अब क्या सबक सीखना चाहिए बिल्कुल भाई। और अब ये जो SSG कमांडो इन्होंने वहाँ तैनात किए, वो मार दिया गया है भाई, बस इस वक्त बुरे ही हालात चल रहे हैं, पता नहीं अब क्या होगा पाकिस्तान का। चलो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।